एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज जो है मंगलवार है और मुझे जाना है भैया को दिखवाने के लिए, तो शाम में जाऊंगी। सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए हैं अपनी जगह पे। इन सभी टाइम है जाने में, जब तक जाऊंगी, क्योंकि वो 4 बजे बैठते हैं, फिर कॉल करके पूछ लेंगे कि आप हो कि नहीं हो, तो वो बता देते हैं कि अगर होते हैं तो कह देते हैं आ जाओ। इस तरीके से चले जाएंगे हम लोग दिखवाने के लिए भैया को। फिर देखते हैं क्या बताते हैं, अपडेट दूंगी मैं आप लोगों को, डॉक्टर ने क्या बोला है। चलो मैं पहले फटाफट से छत से कपड़े ले आऊँ और कपड़े रख दो, फोल्ड करके झाड़ू लगा दो एंड रेडी हो जाऊँ। फिर इसके बाद फिर वही जो है, जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो यहाँ पे बस मैं निकल गई थी, थोड़ा सा वो था, उजेला था। मैं 5 साढ़े 5 के आसपास चली गई थी, क्योंकि 4 बजे से वो बैठ जाते हैं। बस यहाँ से ऑटो यहाँ तक आ गई थी, इसके बाद फिर हम लोग इतने में पैदल चले गए थे। और बस डॉक्टर के वहाँ पहुँच के उनको दिखाया, उन्होंने कहा कि और तो बाकी सब कुछ ठीक है, एक बार और मुझे अभी जाना पड़ेगा, इसके बाद फिर वो बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जो है मैं भैया को दिखा के आ गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है तो ब्लाउज बना लेती हूँ, क्योंकि पिछले साल मई में जो भाभी ने साड़ी दी थी उसका ब्लाउज अभी तक नहीं बनाया, कटा रखा था, कल मैंने कट कर लिया था। तो मैंने कहा चलो अभी सिलाई कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि पिछली मई से अभी तक जो है ब्लाउज नहीं बन पाया तो टेलर को दे देते, तो टेलर को देने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। और फिर दूसरा, मुझे टेलर का बनाया हुआ पसंद नहीं आता है। जैसे एक टेलर है उसको मैं दे देती हूँ, तो संडे वाले दिन उसकी शॉप बंद रहती है, बाकी टाइम पे वो रहती है, तो मुझे टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मैं स्कूटी घर पर रखती नहीं हूँ। पतिदेव बच्चे की वजह से बाहर ले जाते हैं, मीन्स रख देते हैं वहाँ पर, क्योंकि भैया चलाता है, बहुत तेज़ चलाता है। काफ़ी लोगों ने शिकायत की है कि कुछ जो है अनहोनी हो जाए, कहीं लग जाए उसको, इससे अच्छा है कि आप इसको स्कूटी ना दो। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड की। भैया को कोई बुला रहा था तो पता नहीं मैं क्या कह रही थी, भूल गई। फिर ठीक है, तो इस वजह से मैं ब्लाउज नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का पसंद नहीं आता है बना हुआ, और फिर मुझे जाने का टाइम ही नहीं रहता है बच्चे की वजह से। जैसे मैंने बताया कि बच्चे की वजह से स्कूटी नहीं रखते हैं इस चीज़ से, और लोगों को लगता है कि हम बुलाते हैं आती नहीं है, टाइम नहीं देती है आती नहीं है, तो सच बताएं तो इसी वजह से नहीं आ पाते। फिर दूसरा जो है, घर में अगर गाड़ी होती है तो फिर उससे चले जाओ, और फिर जब ये रात में आते हैं तो काफ़ी लेट आते हैं, कभी 7 कभी 8, इस तरीके से आते हैं। फिर किसी के घर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, काफ़ी लोगों को लगता है। इनफैक्ट मैं मम्मी के यहाँ भी अभी जब से इस मकान में आई हूँ तो 3 3 4 4 महीने नहीं जा पाती हूँ, और जाती भी हूँ तो 1 घंटे के लिए जाती हूँ, तो मम्मी के यहाँ भी नहीं जा पाती हूँ। भाभी लोग शिकायत करते हैं कि आप आती नहीं हो दीदी, तो क्या करें, ठीक है नहीं हो पाता है इतना। चलो बातें नहीं करते ज़्यादा, फटाफट से ब्लाउज बना लेते हैं। पहले मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, फिर जो है पूरा जो है जब बन जाएगा तब दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है ब्लाउज बुक कर दिया है मैंने, इतना आधे से आधा सिल गया है, थोड़ा बहुत जो रह गया है तो मैं बाद में इसको सिल लूँगी, क्योंकि अभी लेट हो गया था। फिर इसके बाद मैंने जो है गए हम लोग थोड़ा सा मार्केट तक, तो बस यहाँ पे फुल्की पी, और फुल्की पीने के बाद फिर आ गए घर। मेरा मन कर रहा था बहुत ही ज़्यादा फुल्की पीने का। किस किस को पसंद है? वैसे तो लड़कियों को, सभी को फुल्की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का, क्योंकि उनकी दुकान पे थोड़े से थे काफ़ी लोग, तो जैसे ही उनका वो हो जाएगा तो बस यहाँ पे मैं पीने लगी थी। उन्होंने पूछा कि कैसे क्या चाहिए, नमक मिर्ची, तो बस थोड़ा सा मुझे खट्टा चाहिए था, सो उन्होंने मुझे खट्टा और थोड़ा सा मिर्ची ऐड करके दी, बिकॉज़ मैं मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और इनफैक्ट मेरे मायके में भी सभी लोग बहुत तीखा खाते हैं, बट ससुराल में कोई भी तीखा नहीं खाता है। तो यहाँ पे आके मैं जो भी चीज़ें होती हूँ ऊपर से ही खाती हूँ, सब्ज़ी हो गया या फिर कुछ इस तरीके से, तो मैं उसमें नहीं मिला पाती हूँ। और यहाँ पे दाल चावल बना रही थी तो दाल बन गई है, बिल्कुल ही सिंपल सी दाल बनी, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। एंड अभी मैं मिलूंगी आप लोगों को सीधी नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं पूजा का सामान लगा रही थी, और यहाँ पे पतिदेव माला ले आए थे, फूल ले आए थे, और बाल वगैरह जो कुछ भी चाहिए होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए, काफ़ी सारे फूल लाए थे, बेलपत्री भी लेके आए थे। तो बस बेटी ने यहाँ पे राम राम लिख लिया, उल्टे पत्ते में लिख लिया, पर कोई बात नहीं,
जैसे उसको बना वैसे कर लिया। सो यहाँ पे बस मैं अपने शंकर भगवान को और जो मैंने छोटे भगवान लिए हुए थे शंकर पार्वती का पूरा परिवार, तो उनको जो है वो कर लूँगी, उनकी भी आज मैं अभिषेक करके उनको बिठा लूँगी। और इसमें मैंने किया है तो बस बन नहीं रहे थे, मैं बेटी और भैया तीनों लोग कर रहे थे, पति देव ने नहाया नहीं था तो वो कह रहे थे तुम तीनों कर लो, मैं बाद में अपनी चढ़ा लूँगा उनको जो कुछ भी मुझे चढ़ाना होगा। सो बस यहाँ दूध दही सारा कुछ से मैं स्नान करा दूँगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे परफेक्ट पता है कि कैसे क्या करना पड़ता है, बस ठीक है भाव के भूखे भगवान होते हैं जैसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ काफ़ी सारे ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे मुझे जैसे बनता है मैंने वैसे कर लिया, जितना मुझे सामान था मेरे पास में दूध दही गंगा जल घी शक्कर सारी चीज़ों से मैंने इनको स्नान कराया। और इसके बाद फिर वो कर लिया इनसे जो है इनका टीका वगैरह लगाया माला चढ़ाई। माला के लिए तो खैर छोटे से भगवान हैं पति देव जो है उनके लिए मोर भी लेके आए थे सहरा, तो पर जितने हैं उतने ही मैंने वो कर लिया था मीन्स पहना दी थी माला, क्योंकि अगर वो ले आए थे वो कह रहे थे मैं ले आया हूँ तो कर लेना, मैंने कहा ठीक है पहना दूँगी मैं। तो यहाँ पे बहुत ही सीधी सादी तरीके से मैंने भगवान जी की अभिषेक किया, घर पे ही कर लिया था, मंदिर नहीं गए थे हम लोग, तो हर साल मैं घर पे ही कर लेती हूँ सच बताएं तो, मंदिर दर्शन करने चले जाते हैं, दर्शन कराए और हो गया बस, तो प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं और इसके बाद फिर घर पे ही पूजा कर लेते हैं अपना अभिषेक कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इस प्लेट में भगवान को बिठाया था कि इसी में पूरे दिन बैठे रहेंगे, बट फिर इसमें ठीक से बन नहीं रहते तो मैंने कहा चलो इनको जो है इसमें बिठा देती हूँ, थाली में बिठा दूँगी। तो इसके बाद फिर मैं ये थाली जो है उस पर पटे पे रख दूँगी, वैसे तो पटे पे बिठाना चाहिए था लेकिन पहले मैंने कहा प्लेट में बिठा देती हूँ तो सारा सामान फैलेगा नहीं अच्छे तरीके से बना रहेगा इस पर, इस वजह से। और बाकी कुछ भी नहीं था कि आप लोग कुछ जो है गलत कमेंट करें, तो बस यहाँ पे जो आम का मोर था बाल थी सारा कुछ था तो मैंने चढ़ाया, बच्चों ने चढ़ाया सभी ने चढ़ाया। इस तरीके से हमारी सिंपल सादा सी पूजा हो गई। आप लोगों ने किस तरीके से शिवरात्रि की पूजा की मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेर वगैरह सारी चीज़ें चढ़ाई हुई थी मैंने, यहाँ पे बुलाए थे सफ़ेद अका हुआ चाहिए पड़ता है बट ठीक है जो था वही चढ़ा दिया और जैसे बना हम लोगों से कर लिया बहुत ही उससे। तो यहाँ पे मोर बन नहीं रहा था उनको पहनाते नहीं बन रहा था तो मैंने ऊपर टिका दिया, बट वो बार बार गिर रहा था क्योंकि छोटे से भगवान है मेरे। और अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मैं अगले साल तक अगर भगवान ने चाहा तो कोशिश करेंगे कि ऊपर तुलसा जी का घर हुआ बना लूँ, इसके नीचे जो है शंकर भगवान का पूरा परिवार बैठा दें, मेरी ऐसी इच्छा है। फिर जैसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी तो उस तरीके से ही होगा। ये देखो यहाँ पे बन नहीं रहे थे तो मैंने कहा चलो इसमें बिठा देते हैं, क्योंकि सारे फूल वगैरह सारी चीज़ें थी तो वो नहीं आ रही थी और मेरे पास चांदी के भी हैं शिव भगवान तो उनको भी मैंने इसमें ही बिठा लिया। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग मंदिर गए थे तो कहाँ कहाँ गए थे, पहली बार कौन कौन से मंदिर गए थे तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। छतरपुर के बहुत ही फेमस मंदिर गए हुए थे, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।